Hello everyone, I hope everything is fine and welcome to the Jai Study classes. In this video, we are going to deal with the chapter 16, that is present continuous tense. So let's start it. First of all, we have to know the meaning of present continuous tense, okay? हम इसकी मीनिंग को जानेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जब आपने टेंस चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि टेंस के थ्री टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आगे जाके आपको प्रेजेंट के फोर अलग टाइप्स मिलेंगे, पास्ट के फोर अलग टाइप्स मिलेंगे एंड फ्यूचर के फोर अलग टाइप्स होते हैं, ओके? तो जिसमें से हमने प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो टाइप है वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड आज हम दूसरा पढ़ेंगे टाइप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट मीन्स दैट ये प्रेजेंट टेंस के ही टाइप हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उससे हमें पता चलता है कि हाँ कोई भी काम हम करते हैं, ओके? मे बी वो अभी हम नहीं कर रहे पर वो हम करते हैं। बट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उससे ये पता चलता है कि हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि आई एम टीचिंग यू, यानी कि मैं तुम्हें अभी पढ़ा रही हूँ, ओके? तो ये काम मैं अभी भी कर रही हूँ, ऐसे होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द पॉइंट ए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लुक एट दिस सेंटेंसेज। तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंसेज को देखना है, पॉइंट ए में ये बातें दी हुई है। जैसे आई एम रीडिंग ए स्टोरी, मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ। इट मीन्स दैट कि अभी पढ़ रही हूँ, वो काम अभी भी चल रहा है प्रेजेंट फॉर्म में, ओके? वी आर लर्निंग द यूज़ ऑफ टेंसेज। हम सीख रहे हैं कि यूज कैसे करना है टेंस को, ओके? कैसे हम टेंस को यूज कर सकते हैं। सनी इज़ राइटिंग अ लेटर। जो सनी है वो लेटर लिख रहा है। दे आर क्वेरलिंग विथ ईच अदर। वे सब जो हैं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, ओके? सो द वर्ब इन दिस सेंटेंस आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट मीन्स दैट इस सेंटेंस से, जो ये पूरे सेंटेंस है, इसमें जो वर्ब है रीडिंग, जैसे आई एम रीडिंग है, बट जो रीडिंग है, राइटिंग है, लर्निंग है, क्वेरलिंग है, जैसे आर लर्निंग, आर क्वेरलिंग, एम रीडिंग, इज राइटिंग, ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो बेसिकली क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कि वी यूज इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स दैट जो प्रेजेंट, जैसा कि हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब या जिसे वर्ब वन कहते हैं, एंड या हम उसमें ई एस ऐड कर देते थे जो थर्ड पर्सन होता था, इट मीन्स दैट वर्ब फाइव। बट इसमें क्या करते हैं, हम वर्ब में आई एन जी ऐड कर देते हैं, इट मीन्स दैट वर्ब फोर हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ओके? इसलिए दिया हुआ है। एंड जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें क्या होता है, उस सेंटेंस में इज आर एंड एम जरूर रहता है, एंड उसके बाद हम वर्ब यूज करते हैं जो कि आई एन जी फॉर्म में होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इज राइटिंग, एम रीडिंग, आर लर्निंग, ओके? नाउ वी विल सी द पॉइंट सी, द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कैसे एक रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब को, एक वर्ब को आई एन जी फॉर्म में बनाते हैं, ये हमें जानना है। तो सबसे पहला है एडिंग आई एन जी टू द वर्ब। कैसे ऐड करेंगे, नॉर्मली वी एड आई एन जी टू द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम क्या करते हैं, वर्ब में आई एन जी जोड़ देते हैं। जैसे रीड में आई एन जी ऐड कर दिए, लर्न में आई एन जी ऐड कर दिए। नाउ द पॉइंट टू, इफ़ अ वर्ब एंड्स इन ई वी ड्रॉप दिस ई। अगर क्या होगा, कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में ई आता है तो हम क्या करते हैं, उस ई को ड्रॉप कर देते हैं, इट मीन्स दैट हटा देते हैं एंड उसके बाद आई एन जी लिखते हैं। जैसे राइट है डब्ल्यू आर आई टी ई, तो इसमें से हम ई को हटा देंगे एंड ई की जगह पे आई एन जी लिख देंगे, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, ओके? सिमिलरली ड्राइव में से भी ई हटा देंगे एंड ई के जगह पे आई एन जी लगा देंगे, इट मीन्स दैट जिस वर्ब के एंड में ई रहेगा उसको हटा के हम क्या करेंगे, आई एन जी लिख देंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट, इन द केस ऑफ सम वर्ब द लास्ट लेटर इज डबल्ड। किसी किसी केस में क्या होता है, कोई कोई वर्ब में, कि जब हम आई एन जी लगाते हैं उसमें तो उस वर्ब का जो लास्ट वाला वर्ड है उसको हम डबल कर देते हैं। जैसे हिट है, तो हिट को जब हम आई एन जी फॉर्म में बनाएंगे तो जो लास्ट में टी है तो एक और टी लिख देंगे, इट मीन्स दैट डबल हिट टी हो जाएगा। बिगिन में जब हम आई एन जी लगाएंगे तो एन के बाद हम एक और एन दे देंगे, ओके? ये रूल होता है जब आई एन जी फॉर्म बनाते हैं। इन द केस ऑफ द वर्ब्स एंडिंग इन आई वी चेंज द आई टू वाई। और अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में
आई एंड ई एक साथ है। पहले तो हमने पढ़ा था अगर ई रहेगा तो आई एन जी भी चेंज कर देंगे, बट जब आई एंड ई दोनों एक साथ रहेगा तो हम आई एंड ई को हटा देंगे एंड उसके जगह पे वाई लगाएंगे, फिर आई एन जी करेंगे। जैसे डाइक का है तो डी एंड आई के जगह पे वाई, आई एन जी, डाइंग। ओके, नाउ इन पॉइंट डी वी विल सी वेयर टू यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसमें देखेंगे कि एक्चुअली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ यूज करते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इन द सेंटेंस गिवन अबव, रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग एंड क्वेरलिंग आर स्टिल गोइंग ऑन। वी कैन से दैट दिज एक्शन आर स्टिल कंटिन्यूइंग, दैट इज वाई वी कॉल दिस सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो बेसिकली हम उस जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जो टेंस क्या होता है, जिस टेंस से हमें पता चलता है कि काम अभी भी हो रहा है। ओके, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उससे ये पता चलता है कि होता है काम प्रेजेंट में, बट ये पता नहीं कि अभी हो रहा है या नहीं। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें ये पता चलता है कि काम अभी भी हो रहा है। जैसे कि ऊपर के सेंटेंस में था कि अभी भी पढ़ाई हो रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी भी सनी जो है वो लेटर लिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे दी हुई है, इसीलिए हम इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, मीन्स जो अभी चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एन एक्शन गोइंग ऑन, एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट मीन्स दैट इससे टोटल हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या हमें पता चलता है, क्या निर्णय निकलता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो बताता है कि जो काम है अभी भी चल रहा है, या जो काम है वो जब हम अभी बोल रहे हैं तो भी हो रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। नाउ द नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज ई। इन एक्सरसाइज ई वी हैव टू राइट डाउन द आईएनजी फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स। तो बेसिकली हमें क्या करना है इस चैप्टर में, बस एक्सरसाइज ई को करना है अभी, क्योंकि हमने अभी उतना भी एक्सप्लेन में नहीं पढ़ा है, सो दैट हम एफ जी को नहीं करेंगे। ओके, तो जैसा कि है ई नंबर में हमें क्या करना है, ये जो वर्ब दिया है इसका हमें आईएनजी फॉर्म बनाना है। इट मींस दैट वर्ब फोर के तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया आईएनजी फॉर्म को वर्ब फोर भी कहते हैं। ओके, तो ब्रेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बनाया है ब्रेकिंग, बाय का बाइंग, कम का कमिंग, कट का कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे डबल टी हो जाएगा। डाई का क्या हो जाएगा, डाइंग आपने पढ़ा था कि आई को हटा के उसके जगह पे वाई लिख देंगे एंड एंड में आईएनजी। फ्लाई का फ्लाइंग, फॉरगेट का फॉरगेटिंग, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा नीचे लिखा है, आप देखो फॉरगेट लिख के फिर एक टी लगाएंगे, यानी कि डबल टी हो जाएगा एंड उसके बाद आईएनजी। ऐसे ही है पुटिंग, सिटिंग, टीचिंग, राइटिंग। ओके, ये है। नाउ वी विल सी द पॉइंट एच, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट मींस दैट जो पॉइंट एच है इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि एक्चुअली में सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। ओके, दोनों तो प्रेजेंट ही फॉर्म में है लेकिन दोनों में क्या अंतर है। लेकिन मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उससे ये पता चलता है कि ये चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट में होती हैं, बट अभी हो रही है या नहीं ये पता नहीं चलता है। एंड जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो ये बताता है कि अभी भी वो काम हो रही है। जैसे कि हम इस सेंटेंस को देखते हैं, द स्टार साइन एट नाइट, तो जो तारे हैं वो रात में चमकते हैं पर ये नहीं पता अभी चमक रहे हैं या नहीं। वहीं जब हम सेकेंड सेंटेंस को देखेंगे, द स्टार्स आर शाइनिंग नाउ, जो तारे हैं अभी चमक रहे हैं, इट मीन्स दैट अभी ये काम हो रहा है। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस में। एंड आपको और एक इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि कैसे आप पहचान सकते हो, तो कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहता है, इज, एम या आर रहेगा एंड वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। ओके, एंड इसमें तो मैंने आपको बताया ही था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना इज, एम, आर नहीं रहता है, एंड जो वर्ब है वो वर्ब वन या वर्ब फाइव के फॉर्म में रहता है, यानी कि रूट फॉर्म या उसमें एस या ई एस ऐड रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने अभी क्या बताया कि इसमें इज, एम या आर रहता है और उसके साथ वर्ब आई एन जी रहता है। ओके, नाउ हियर वी कैन सी दैट द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट मेक अ स्टेटमेंट अबाउट द स्टार दैट इज ऑलवेज ट्रू, बट इट डज नॉट से वेदर द स्टार आर शाइनिंग नाउ। दैट इज वॉट द सेकेंड सेंटेंस से, द सेकेंड सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आपने अभी मैंने आपको ये बताया कि पहला क्या है, ये राइट है कि हाँ जो तारे हैं वो रात में चमकते हैं, बट ये नहीं पता अभी चमक रहे हैं या नहीं। इट मीन्स दैट आपने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि जो
परमानेंट ट्रूथ है वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन जब ये बताएगा कि अभी चमक रहा है, जो सेकेंड सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक बॉक्स में दी हुई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्शन दैट आर डन रेगुलरली एज अ मैटर ऑफ हैबिट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बेसिकली क्या होता है कि वो एक्शन जो रेगुलरली होता है, हैबिट जो होता है, या परमानेंट ट्रूथ है, या जो बार बार होती है, लेकिन ये पता नहीं अभी हो रही है या नहीं, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, एज वेली मतलब कि होता है अक्सर, जनरली मतलब सामान्य रूप से, अलवेज हमेशा, सम टाइम मतलब कभी कभी, एवरी डे मीन्स दैट प्रति डे, आर ऑफन यूज्ड विद दिस टेंस। ओके, नाउ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो ये होता है कि अभी भी वो काम हो रही है, मैं अभी बोल रही हूँ फिर भी वो काम हो रही है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ। ओके, तो इसके साथ कौन से वर्ड यूज होते हैं, बेसिकली नाउ यानी अभी, एट दिस मोमेंट, टुडे, आज, ये सब यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे भी एक सेंटेंस है, वी गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग डेली स्कूल जाते हैं। ओके, प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है अभी जा रहे हैं या नहीं। बट वहीं जब आप सेकेंड सेंटेंस देखोगे, वी आर गोइंग टू स्कूल नाउ, हम लोग अभी स्कूल जा रहे हैं, यानी कि ये लोग अभी जा रहे हैं, अभी पता चल रहा है कि अभी भी जा रहे हैं, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। एंड आपको इस चैप्टर में बस ये एक्सरसाइज ही करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी क्लियरली। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट ऑन इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।